2000 के नोट को लेकर संसद में सरकार ने दी बड़ी जानकारी, आप भी जान लें। नमस्कार दोस्तों, देश में पिछले 2 सालों से 2000 के नोट नहीं छापे गए हैं। वित्त मंत्रालय ने संसद में यह जानकारी दी है। एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी गई। 2000 के नोटों के कम प्रचलन को लेकर सवाल किया गया था। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में कहा, 2019-20 और 2020-21 में 2000 रुपए के नोट प्रिंटिंग प्रेस को नहीं भेजे गए। एक सवाल में सांसद ने पूछा था कि क्या सरकार को इस तथ्य के बारे में पता है कि लोगों के बीच 2000 रुपए के नोटों का प्रचलन बहुत कम है और यह बैंकों और एटीएम में भी उपलब्ध नहीं है। अनुराग ठाकुर ने उत्तर दिया और यह बताया कि मुद्रा की छपाई मांग पर आधारित थी। उन्होंने कहा, सरकार द्वारा बैंक नोटों की छपाई का निर्णय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को परामर्श से किया जाता है। यह निर्णय भी लिया गया था कि क्या यह उपयोग करने के लिए सुविधाजनक है। 2000 रुपए के नोट के प्रचलन में गिरावट थी। मंत्री ने कहा कि 30 मार्च 2018 को 2000 रुपए के 3,362 मिलियन करेंसी नोट प्रचलन में थे। 26 फरवरी 2021 तक 2000 रुपए के नोट में 2,499 मिलियन नोट प्रचलन में थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।